हेलो ऑल, हाउ यू ऑल आर डूइंग। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज शनिवार है, आज है बहुत सारा काम, क्योंकि क्या होता है ना, मंडे से फ्राइडे तक ऑफिस के चलते सैटरडे संडे में जितना भी घर का काम होता है, ये ग्रॉसरी, फिश स्टॉक, एग, ये सारा स्टॉक करना, ये सारा हम सैटरडे संडे को ही करते हैं। तो अभी आज मैं आपको एक मार्केट ले चलूँगी जो मुझे अभी हाल ही में ही पता चला है बैंगलोर में, कि जो बिल्कुल बंगाल जैसा मार्केट है, मतलब वहाँ पे फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट बिल्कुल बंगाल जैसा है। मैं दिखाती हूँ। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ मार्केट। ये देखिए, ये बिल्कुल रास्ते में ऐसे बैठती है ये मार्केट। पहले वेजिटेबल स्पाइसेस से है, फिर फिश। मतलब ऐसी मार्केट मैंने बंगाल में ही देखी, बैंगलोर में तो इट्स इम्पॉसिबल, कभी देखा ही नहीं मैंने। तो ये मार्केट हमने एक्सप्लोर किया, यहाँ से वेजिटेबल्स, फिश सारी बहुत फ्रेश मिलती है, ये जिगनी में है। एंड उसके बाद हम घर वापस आते टाइम पे हमें ग्रॉसरी लेना था, तो हम अपने जगह जहाँ हम हमेशा जाते हैं ड्रीम मार्ट, वहाँ से जाके मैंने ग्रॉसरी पिक की, वो भी मैं दिखा दूँ। और एक चीज़ बता दूँ, ये मार्केट आपको जाना होगा तो आप जिगनी में जाके ये मार्केट में जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेश लेवल की फिश मिलती है। और अभी मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आ गई हूँ। ग्रॉसरी शॉपिंग के बाद घर जाना है, उसके बाद फ्रेशन अप होके लंच करना है। मैं आपको लंच प्लेट भी दिखाती हूँ आज, जो कुक आंटी ने बनाया है। तो ये है मेरा लंच प्लेट। हमारे मिल में हमेशा वेजिटेबल, उसके साथ एक नॉन वेज और उसके साथ एक सैलड रहता ही है, विच इज़ वेरी कॉमन। तो लंच के बाद शाम को हमने डिसाइड किया कि एक कैफ़े चलते हैं, जो इससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड गए थे तो हमें काफ़ी अच्छा लगा था। एज अ बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ है। वो कैसा है, काफ़ी टाइम से हमारा प्लान था कि मैं अपने बेटे को लेके जाऊँ वहाँ पे, लेकिन हो नहीं रहा था किसी ना किसी वजह से। तो हमने इस बार सोचा कि नहीं, इस बार तो चलते ही है। एंड ये कैफ़े का नाम है बिस्ट्रो क्लेटोपिया। ये बहुत ही एक फेमस कैफ़े है कोरमंगला में। तो इस कैफ़े का क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताती हूँ। पहले तो मैं आपको कैफ़े दिखा दूँ। आप देख रहे हैं ये सारा जो क्ले मटेरियल्स है, ये कलरफुल, ये डेकोरेशन पीसेस। तो इसमें क्या होता है, यहाँ जो सारे वाइट पीसेस है ना, इसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना पड़ता है, जो भी आप पेंट करना चाहते हैं आप इसको चूज़ करके पे कर लो। पेंटिंग, कलर्स, ब्रश सारा ये प्रोवाइड करते हैं ये कैफ़े से। तो उसके बाद ये आपके टेबल पर दे देंगे, आप कुछ भी खाना ऑर्डर करो, उसके साथ आप पेंटिंग करो। ये बस बच्चे ही नहीं, बड़े भी कर सकते। देयर आर लॉट ऑफ एडल्ट्स हु वेयर डूइंग पेंटिंग विद द किड्स। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत हैपनिंग है। मेरे बेटे ने तो बहुत इंजॉय किया। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे सारे पीसेस, ये सारे ट्रीज से अटैच है, इनका पूरा थीम ही ऐसा है। और यहाँ पे फूड ऑप्शन भी इनकी बहुत अच्छी है। कैफ़े मतलब बस कैफ़े फूड ऑप्शंस नहीं है, आपको डिनर मेनू भी मिल जाएगा। इनकी फूड वैरायटीज़ भी बहुत अवेलेबल है, बहुत वाइड रेंज में है। तो आप आराम से यहाँ पे डिनर करके जा सकते हो। और ये है इनका इंटीरियर डेकोर, पूरा इनका मतलब क्ले से ही रिलेटेड, ये पेंटिंग से रिलेटेड ही इनका इंटीरियर है। और यहाँ पे टेबल पे कलर आ गया है, ब्रश आ गया, और मेरा बेटा बहुत मस्ती से वो पेंटिंग कर रहा है। वो हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, वो फुल इसमें था। और हमने फिर अच्छे से, हमें जो भी खाना था हमने ऑर्डर किया, अच्छे से खाया, वी इन्जॉयड। और यहाँ पर मेरी मम्मी लॉ बैठ के वो भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। और इसी तरह हमने अपना सैटरडे इन्जॉय किया और बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया। तो बस मुझे आप सबके साथ यही शेयर करना था। अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय।